हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस. और दिस इज रेहान. हेलो गाइस, दिस इज गिनी. सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो. ये वीडियो का टाइटल है हम एक है. कोक स्टूडियो का वीडियो है ये. कोक स्टूडियो को तो तुम जानती होगी. कोक स्टूडियो का म्यूजिक जो है बहुत ज़्यादा सही रहता है. और कोक स्टूडियो पाकिस्तान का ये भी हम सब जानती है. तो आफरी आफरी तो सुना ही होगा तुमने. बिल्कुल, मेरा फेवरेट है वो. हाँ, तो आफरी आफरी सबसे ज़्यादा सुना गया वीडियो है कोक स्टूडियो का. इंडिया में सबसे ज़्यादा सुना गया सॉन्ग है कोक स्टूडियो का, जो इंडिया में बहुत सुना गया है. और आज एक और वीडियो आया इनका, हम एक हैं. हम एक है इस पर मैं रिएक्शन दे चुका हूँ साहिल के साथ. बाकी मुझे लगता है ये वीडियो गिनी को भी दिखाना चाहिए और मुझे भी ये डबल सुनना है, क्योंकि इसका म्यूज़िक जो है बहुत ज़्यादा, दोनों लगाना तुम. इसका म्यूज़िक जो है ना, मतलब गूज बम्स लाने वाला है. बहुत मज़ेदार म्यूज़िक है और ये एक एंथम की तरह लगता है. बाकी हम वीडियो देख के गिनी के थॉट्स जानेंगे कि उसे क्या लगता है इस वीडियो के बारे में. सो इस वीडियो पे आप गिनी पर कॉन्सेंट्रेट करें. वैसे तो लड़के के आगे सब लड़की पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मैं जानता हूँ. तो पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे. हियर वी गो. जो रक रक में दौड़े वो सुन, जो रक रक में दौड़े वो सुन, जो हिम्मत ना हारे वो धुन. जब रास्ता मंजिल अपनी है तो ख्वाब भी अपने खुद ही बुन. रबाब बोलते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है. ये हिंदू पाकिस्तानी है. हम एक हैं, हम एक हैं.
एक्सट्रीमली पाकिस्तानी। वीडियो बहुत अच्छा था, म्यूजिक बहुत अच्छा था, तुम बताओ कैसा लगा? शानदार म्यूजिक था, मतलब मजा आ गया। मैं सीरियसली म्यूजिक को बहुत पसंद करती हूँ, मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है और ये सॉन्ग रिपीट मोड में सुनने वाली है बिल्कुल। ये मेरी प्लेलिस्ट में रहेगा फेवरेट्स में, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और इस सॉन्ग से जो मैसेज है वो क्या लगा तुमको, क्या मैसेज होगा इस सॉन्ग का? सॉन्ग का मैसेज बताया कि हम एक है, जिसे उसमें है कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं जो सब प्ले करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करता है एक बंदा, और जैसे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब सभी लोग हैं, सब साथ में हैं और साथ में म्यूजिक प्रमोट कर रहे हैं, साथ में कंट्री को प्रमोट प्रमोट कर रहे हैं। इसका जो एक लाइन था, इस परचम के साए तले हम एक हैं, एक हैं, तो उसका मुझे लगता है ये मीनिंग है, कहना का मतलब ये है उसका कि जैसे हम नॉर्मल डेज में तो हम सभी मतलब चाहे हिंदू हो मतलब इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, हम आपस में यही बात करते हैं कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, लेकिन जब बात कंट्री की आती है तो हम सब हमेशा एक हो जाते हैं इस परचम के साए तले, मतलब इस जो फ्लैग रहता हमारा उसके साए के तले हम सब एक हो जाते हैं कहीं ना कहीं कोई। और जैसे अभी स्नैपचैट के सीईओ ने बोल दिया था कि इंडिया गरीबों का देश है, हम नहीं चाहते स्नैपचैट वहाँ चले, तो सब ने मिलकर जो उसकी बैंड बजाई है, जो रेटिंग दी है उसको प्ले स्टोर में जा जाके, मतलब सब ने एक एक स्टार दिया उसे, तो मतलब उसने मतलब उसका स्टेटमेंट आ गया था, मतलब चेंज हो गया था, उसको सॉरी बोलना पड़ा था, मतलब उसकी रेटिंग इतनी गिरा दी थी, मतलब हमारी जो पावर है ना वो हमारी पॉपुलेशन है, exactly. क्योंकि पॉपुलेशन जो जितनी बड़ी होती है हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम लोग एक है तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हम किसी दूसरे से कैसे लड़ेंगे जो हमारी कंट्री के अगेंस्ट है। हाँ, अभी कोई कंट्री वेस्टर्न कंट्री किसी इंग्लैंड का बंदा था शायद, उसने कुछ पोल डाला था कि इंडिया के अगेंस्ट कुछ पोल डाला था कि इंडिया बेटर है या इंग्लैंड बेटर है ऐसा कुछ, तो वो जाहिर सी बात है वो इंग्लैंड का बंदा है, उसके फॉलोअर्स कहाँ के, इंग्लैंड के हैं, तो इंग्लैंड के लोग ही उसमें वोट करेंगे कि इंग्लैंड बेस्ट है, इंग्लैंड को बहुत सारों ने वोट किया, तो 5-7 डेज का रहता है पोल ट्विटर पे शायद, तो 2-3 दिन तक तो इंग्लैंड आगे रहा, लेकिन इंग्लैंड में भी कुछ इंडियंस रहते हैं, बहुत सारे कुछ क्या बहुत सारे इंडियन रहते हैं, और उन्होंने जब उसको रीट्वीट करना शुरू करा और जब इंडिया की पॉपुलेशन के पास पहुंचा वो ट्वीट, तो इंग्लैंड के 30% पोल मतलब बेस्ट में 30% इंग्लैंड के थे और 70% इंडिया के थे, तो पॉपुलेशन की पावर भी कुछ है, पॉपुलेशन ज़्यादा होना भी एक एडवांटेज है। और जो इंडिया के मतलब इंडिया में जैसे लोग रहते हैं सब मिलकर, वैसे ही पाकिस्तान में भी रहते हैं, हमने देखा है बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट देखे, एक सोशल एक्सपेरिमेंट देखा था हमने जहाँ पर एक हिंदू को मतलब एक सोशल एक्सपेरिमेंट करा था कि उसमें एक बताया कि एक हिंदू लड़का उसको सब मारते 2-3 लोग नकली में मारते मतलब, तो फिर वहाँ की जो नॉर्मल लोग हैं उनका रिएक्शन देखते हैं, तो उसको बोलते हैं कि तू हिंदुस्तान चला जा, तू हिंदुस्तानी है ये वो, तो वहाँ के जो आम जनता है वो आती है उनको रोकती है और बोलते हैं कि ये हिंदुस्तानी नहीं ये पाकिस्तानी है ये यहीं पर रहें, तो ये सब जो है ब्यूटी जो है यहाँ पर भी इस तरह के सोशल एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो ये चीज़ें जो है मतलब लड़ते तो रहते हैं पर कंट्री की बात आती है ना सब एक हो जाते हैं, हम सब एक हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वीडियो, एंथम की तरह था ये, एंथम की तरह एक मोटिवेशनल वीडियो था। इस परचम के साए तले हम एक ही एक फुल सॉन्ग भी है, वो हम ज़रूर देखेंगे कभी ना कभी, उसकी हमें परमिशन नहीं मिल रही, परमिशन मिल जाएगी तो हम वो वीडियो भी देखेंगे, इसका ओरिजिनल जो सॉन्ग है उसके लिरिक्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था, तो वो भी हम देखेंगे। और आप लोग ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेक लव नॉट वॉर।